सब्सक्राइब करिए लर्न फॉर एग्जाम चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू लर्न फॉर एग्जाम, माय नेम इज गुरप्रीत सिंह एंड दिस विल टॉक अबाउट द 24th जून करंट अफेयर्स। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज अबाउट अस। इफ यू वॉन्ट टू रीड यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड जस्ट गो थ्रू इट। सो लेट्स स्टार्ट द करंट अफेयर्स। द फर्स्ट इज मोदी इनॉग्रेट्स द मुंडका एंड बहादुरगढ़ मेट्रो लिंक। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपके लिए बढ़िया है, वरना बेकार है, ठीक है। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट द मुंडका बहादुरगढ़ मेट्रो नेटवर्क थ्रू अ डिजिटल वीडियो लिंक बिटवीन PMO एंड बहादुरगढ़ विद द ओपनिंग ऑफ द 11.2 किलोमीटर मुंडका बहादुरगढ़ स्ट्रेच ऑफ ग्रीन लाइन। दिल्ली मेट्रो मेक्स इट थर्ड फोरे इन टू हरियाणा कनेक्टिंग बहादुरगढ़ टू द हर्ट ऑफ दिल्ली। With the opening of this section, Delhi Metro network will expand to 288 km with 208 stations. Next is panel to lay down standards of metro system. So Prime Minister Narendra Modi has approved the proposal of setting up of a committee to lay down standards for metro rail systems in India. The committee will be headed by retired engineering service IES officer E. Sridharan, jinko metro manu bola jata hai, theek hai. Sridharan served as the managing director of Delhi Metro between 1995 to 2012. Next is bank heads to appear before parliament panel. Heads of 11 state-owned banks will apprise a parliamentary committee about the problems of mounting bad loans and increasing fraud cases. They will be appearing before the standing committee on finance headed by the veteran Congress leader M. Veerappa Moily, which is looking into issues relating to banking sector. वैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं तो यू कैन लीव। नेक्स्ट इज अमित विंस गोल्ड एट वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको देखना है कि किसके प्रसेक्टिव से, सो टेस्ट में आ सकता है, ठीक है, और जैट की जीके में आ सकता है, स्नैप की जीके में आ सकता है, ठीक है, ये स्पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस। इंडियाज अमित कुमार सरोहा हैज क्लेंच्ड द गोल्ड मेडल इन द मेन्स क्लब थ्रो F51 इवेंट एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स इन टूनिशिया। द व्हील चेयर बाउंड इंडियन एथलेटिक produced the season's best performance of 29.42 meter to bag the gold. Amit Sarwar is an Asian Para Games medalist and an Arjuna awardee competing in the F51 category in discus throw and club throw. Next is Sunil Mittal becomes honorary chairman of ICC. Sunil Bharti Mittal, founder and chairman of Bharti Enterprises, will step down as a chairman of International Chamber of Commerce. He will now function as the honorary chairman of ICC commencing July 1, 2018. He will be succeeded by Paul Polman, CEO of Unilever, as ICC chairman. ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, स्नैप जैसे एग्जाम्स में आ सकती है, इनकी फ़ोटो पूछी जा सकती है या फिर इनकी, ठीक है, फोटो दिखा के भी एक साथ स्नैप में ऐसा एग्जाम क्लिक क्वेश्चन आ सकता है। मित्तल वॉज ओनली थर्ड इंडियन टू हैव बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द ICC सिंस इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1919. नेक्स्ट इज चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। राजस्थान चीफ मिनिस्टर वसुधरा राजे वॉज कन्फर्ड द चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर हर रिमार्केबल वर्क इन ई गवर्नेंस। ओके, द अवार्ड वॉज गिवन टू हर एट द 52nd स्को समिट। ये कल मैंने आपको इनके बारे में और भी कुछ बताया था, ठीक है, स्को समिट में और भी काफ़ी लोगों को अवार्ड मिले थे, काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड मिले थे, ठीक है, हेल्ड इन न्यू दिल्ली। एफर्ट्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट गवर्नमेंट वर अप्रिशिएटेड इन द इम्प्लीमेंटिंग द प्राइम मिनिस्टर्स डिजिटल इंडिया कैंपेन फॉर बेनिफिटिंग द कॉमन मैन। नेक्स्ट इज कल्की टू बी कन्फर्ड विद फ्रेंच ऑनर। कल्की कोचिंग काफ़ी बड़ी मशहूर एक्टर है, विल बी कन्फर्ड विद फ्रेंच डिस्टिंक्शन ऑफ नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन इन एनहेंसिंग इंडो फ्रेंच टाइज इन सिनेमा। कल्की हु हैज़ फ्रेंच रूट्स हैज़ डन फिल्म सच एज देवडी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा एंड शंघाई टू नेम अ फ्यू। द ऑनर कम्स इन रिकॉग्निशन ऑफ एन एक्टर हु हैज़ इंटरप्रेटेड स्ट्राइकिंग रोल्स इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज स्काई स्कीम फॉर फार्मर्स टू जनरेट सोलर पावर। द गुजरात गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अ सोलर पावर स्कीम फॉर फार्मर्स, सूर्य शक्ति किसान योजना स्काई, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना, आ सकता है IFT जैसे एग्जाम में। अंडर द स्कीम फार्मर्स वुड नॉट ओनली बी एबल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर देयर कैप्टिव कंजम्पशन बट ही विल ऑल्सो बी एबल टू सेल द सरप्लस पावर टू द ग्रिड एंड अर्न एन एक्स्ट्रा बक। द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी गिवन टू ग्रिड वुड बी परचेज एट अ रेट ऑफ 7 rupees पर यूनिट फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years. नेक्स्ट इज रामदेव टू गेट वैक्स स्टैचू एट मैडम तुसार्स। सो बाबा रामदेव जो है योगा वाले, ठीक है, उनका एक स्टैचू लग जाएगा लंदन में, ठीक है। बाबा रामदेव विल बी सेकेंड सैन टू बी डिपिक्टेड एट द नोटेबल वैक्स म्यूजियम आफ्टर स्वामी विवेकानंद। मैडम तुसार्स इज अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन इन लंदन डिस्प्लेइंग द वैक्स वर्क्स ऑफ फेमस एंड हिस्टोरिक पीपल, ऑल्सो पॉपुलर फिल्म करेक्टर्स। नेक्स्ट इज सेकेंड यंगेस्ट चेस
अ ग्रैंड मास्टर आर प्रगनंदन दा, जो भी नाम है ठीक है, नंदन दा, मेड हिस्ट्री बाय बिकम द सेकेंड यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर इन द वर्ल्ड बाय अर्निंग हिज थर्ड GM नॉम ड्यूरिंग ग्रिडायन ओपन. ओके, प्रगनंदन दा हु इज जस्ट 12 years, 10 months and 14 days ओल्ड इज ऑल्सो द यंगेस्ट इंडियन ग्रैंड मास्टर. यूक्रेन्स सर्ज करजाकिन रिमेन्स द यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर. विश्वनाथन आनंद इंडियाज फर्स्ट एवर GM वॉज 18 years ओल्ड वेन ही अर्न हिज थर्ड नॉम. नेक्स्ट इज स्वच्छ भारत सर्वे 2018. अकॉर्डिंग टू स्वच्छ भारत सर्वे 2018, झारखंड इज द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़. अमंग द सिटीज इंदौर इज द क्लीनेस्ट, फॉलोड बाय भोपाल एंड चंडीगढ़. त्रिपुरा वॉज एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट ऑफ द क्लीनेस्ट स्टेट्स, फॉलोड बाय पुडुचेरी, नागालैंड एंड वेस्ट बंगाल. आउट 18 आउट ऑफ 25 डर्टीएस्ट सिटी इन इंडिया विद पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 लाख आर इन वेस्ट बंगाल. नेक्स्ट इज प्लास्टिक बैन इन महाराष्ट्र. द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज इम्पोज ban on manufacture, use, sale, distribution and storage of all plastic materials across the state. As per the notification, violators will be fined rupees 5,000 and 10,000 for the first and second time offense. With this, Maharashtra becomes the 18th state of the country to impose a complete ban on plastic, and very soon I am pretty sure ki puri India mein ban ho jayega plastic. Next is 24 degree as a default setting for ACs. Power Ministry has suggested air conditioner manufacturers to keep default setting at 24 degree in a bid to save energy. It has also suggested that manufacturers should carry out labeling indicating optimum temperature setting for the benefit of consumers, both from financial and health point of view. Having a default setting at 24 degree will result in savings of 20 billion units of electricity in a year. So kitni zyada electricity bachegi agar aap 24 degree pe chalao. Next is first ever nature themed comic book to foster love for nature and raise awareness about its protection among children. WWF India has launched its first ever comic book, The Great Indian Nature Trail with Uncle Bicky, follows the travels of its protagonists Uncle Bicky, Chunmun and their dog Duggu as they learn about wildlife across India. Book was launched by Bikram Grewal, author, and Ravi Singh, secretary and the CEO WWF India. Next is US and South Korea suspend training exercises. The United States and South Korea have agreed to indefinitely suspend two exchange program training exercises. The announcement comes on the heels of the summit in Singapore between President Trump and North Korean leader Kim Jong-un. Freedom Guardian, along with two Korean Marine exchange program training exercises, have been suspended. Next is Jean Pierre Lacroix to visit India. UN Secretary, UN Under Secretary General for Peacekeeping Operations Jean-Pierre Lacroix will visit India and three other nations to thank the troop contributing countries for their service. Lacroix will visit Bangladesh, Nepal, India and Pakistan. India is the among the top largest troop contributing countries to UN peacekeeping missions, with 6,712 Indian personnel country deployed in 9 peacekeeping missions. Kannur International Airport to begin operations. Union Minister for Civil Aviation Suresh Prabhu has announced the opening of the Kannur International Airport Limited KIAL in September in 2018. Kannur Aerodrome will become the fourth international airport in Kerala. With this, Kerala will be the state with the most number of international airports in the country. Next is Chabahar Port to made operational by 2019. According to a government statement, India will make sure that Chabahar Port in Iran becomes operational by 2019. The port is being developed as part of new transportation corridor for landlocked Afghanistan and expected to open way for millions of dollars in trade, and it cuts its dependence on Pakistan. India's statement came after the US threatened to renew sanctions against Iran. So this is about this video. You can join our courses NMAT Snap, CAT, NMAT Snap. We are starting from the 1st July. Agar aapko join karna hai, you can ping me on my WhatsApp number. And we have the MBA 1-year program, MBA 2-year program as well for the 2019 CAT and 2020 CAT as well. Okay, and you can join the IFT, MyCAT, test course. You can get the GK PDF, GK course, test course. Agar kisi bhi course ke bare mein janna hai, you can ping me on this number 7982139467 on WhatsApp, and I will give you everything, every detail about the course. And these are the past year results and the reviews. If you want to read, you can just pause the video and you can just go through it. ये जितने भी हैं हमारे रिजल्ट्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और उनके रिव्यूज़ हैं. सो अगर आपको किसी को पढ़ना है, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो और आराम से पढ़ सकते हो.
And we have the books as well, the DILR book, the verbal ability book, the quantitability book, specially designed for the NMET SNAP. Okay, so if you want to order, all the links are in description below. नीचे मैंने description में दिया हुआ है link. अगर आपको तीनों चाहिए वो भी मिल सकती हैं, ठीक है, आपके घर पर deliver हो जाएंगी. And you can follow us on Facebook, YouTube and Telegram. All the links are in description below. Don't forget to hit the like button, share this video and comment down below if there is any query. And don't forget to subscribe. लाल वाला button दबा के जाना. ठीक है. Thanks for watching. Have a nice day, guys. Bye bye.